लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। क्राइम ब्रांच सेंट्रल यूनिट के सीनियर इंस्पेक्टर श्री भोसले और भेदोड़कर इन दोनों ने एक दो लोगों को गिरफ्तार किया नाला सोपारा से इस महीने की 12 तारीख को, जिसमें उनके खिलाफ काफ़ी मामले दर्ज थे। एक रबाड़े पुलिस स्टेशन का एक ऑफेंस दाखिल था 378/21 अंडर 420 सेक्शन IPC के तहत। तो इसमें जब ये लोगों को गिरफ्तार किया गया तो इनका मोडस सामने आया। इसमें से दो एक्यूज गिरफ्तार किए, जिसमें एक है मनीष अंबेकर जो बेसिकली पड़स पे रायगढ़ का है लेकिन नाला सोपारा में रहता है, और दूसरा एक जो एंथोनी जंगली करके है जो माटुंगा का रहने वाला है। ये दोनों लोगों के साथ एक महिला की आवाज़ में ठगी करते थे। वो रेकी करते थे पहले कि ज्वेलर्स को, और मोस्टली ज्वेलर्स और मेडिकल वाले को ठगते थे। तो किसी हॉस्पिटल के नज़दीक का कोई ज्वेलरी शॉप देख के वो हॉस्पिटल से ये जो एक्यूज़ है एक नंबर का मनीष, वो लेडीज़ की आवाज़ में, लेडीज़ डॉक्टर की आवाज़ में उनको फ़ोन करता था और बताता था कि मैं बहुत बिज़ी हूँ, मेरे ऑपरेशन थिएटर में हूँ, मुझे कुछ ऑपरेशंस करने हैं तो मैं आ नहीं सकती, लेकिन मेरे घर में मेरी बूढ़ी माँ है। जो बिल्डिंग वो चुनते थे वो भी वो ज्वेलरी शॉप के कहीं नज़दीक की थी, ताकि वो ज्वेलरी शॉप वाले को ना लगे कि दूर है मैं नहीं जाऊँगा, बट 100 मीटर 200 मीटर के दायरे में रहते थे। तो वो बोलती लेडीज़ आवाज़ में वो बोलता था कि मेरी बहन को कुछ जेवर बनाना है, फिर जेवर का वेट कितना है, जेवर का कितने दिन में मिलेगा, मेरे को 15 तारीख को शादी है, कुछ गिफ्ट कराना है, क्या रेट है, आप कितना कम कर सकते, ऐसा सब बातें बना के उसका विश्वास संपादन करता था। और बाद में उसको 10-15 तोले का मुझे जेवरात बनानी है ऐसा ऑर्डर देता था, और बाद में उसका कॉन्फिडेंस आने के बाद उसको पूछता था कि मुझे हॉस्पिटल में कुछ चेंज की ज़रूरत है, अभी 6:30 बज गए, शाम हो गई तो बैंक भी बंद है, तो अगर आपके पास कुछ 100 रुपये के नोट्स है क्या या 500 रुपये के नोट्स है क्या, तो वो बोलता था कि मेरे पास इतने इतने, तो कितना डिमांड है बोल के उसका अंदाज़ लेके उससे वो पैसा 50,000, 1,00,000, 2,00,000 रुपये चेंज लेके आओ, मैं आपको 2,000 का नोट दे दूँगी और मेरे बहन का और मेरी माँ का जो जेवर्स बनाने हैं उसका नाप आप ले लीजिए करके वो ज्वेलर्स को बुलाता था। और बाद में हॉस्पिटल से खुद दौड़ के उधर आके जेंट्स बन के, ताकि वो जेंट्स ही था, तो बोलता था कि मैडम ने मुझे भेजा है, तो वो आपने जो नोट्स लाए चेंज लाई है वो मेरे पास दीजिए, मैं हॉस्पिटल जाके 2,000 के नोट लेके आता हूँ, तब तक आप मैडम की माँ और बहन जो ऊपर है उनके ज्वेलर्स के गहने की माप ले लो, तब तक मैं आ जाता हूँ, और आपको 1,00,000 एडवांस भी देने वाले हैं ज्वेलर्स के। तो वो ज्वेलर्स फंस जाता था और ये दोनों भाग जाते थे। सेम मोडस वो मेडिकल के साथ भी करते थे, और विश्वास संपादन करने के बाद उनको भी कुछ मेडिकल अप्लायंसेस हॉस्पिटल में लाने के लिए बोलते थे, और बाद में सेम लेडी नीचे आके मैडम ने आपको ऊपर बुलाया ये सारे मेडिकल का आइटम्स लेके, तब तक आप वो जो कैश लाया है चेंज लाया है वो मेरे पास दे दो और 2,000 का नोट भी मैडम देगा, ऐसा करके ये ठगी करने वाले ये दो गिरोह को हमने गिरफ्तार किया है। जिनको इसमें से जो मनीष गांगर है, मनीष अंबेकर है, इसके खिलाफ इसके पहले 20 मामले अलग अलग थाने में दर्ज है, उसका रिकॉर्ड हमें मिला है। कुल मिलाकर 4 ऑफेंस की कबूली उन्होंने हमारे पास दिया है, जिसमें से 2 हमारे ऑफेंस है, एक रबाड़े और एक वाशिका है, इसी साल के हैं। इसके बावजूद पेन और अलीबाग में भी 2 वारदातें उन्होंने वारदात को अंजाम दिया है 419, 420, 34 के तहत। ये दोनों आरोपी को हमने गिरफ्तार किया और इनसे कुल मिलाकर 5,01,000 रुपये का मुद्देमाल उनका व्हीकल के साथ बरामद किया है। अभी हम ढूंढ रहे हैं कि इसके बावजूद इन्होंने और किस लोगों के साथ, कितने लोगों के साथ ठगी किया है, इसके बारे में हम सेंट्रल यूनिट के सीनियर इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन, उनकी टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मैं अपील करता हूँ लोगों को कि अगर ऐसा वारदात अगर किसके साथ हुआ हो तो तुरंत पुलिस के साथ इसकी इंफॉर्मेशन दे दिया, ताकि इनके ऊपर और कार्रवाई की सके। सर, आरोपी की आवाज़ सुनकर अच्छे कंफ्यूज हो जाएगी, क्योंकि महिला का आवाज़ इतनी खूबसूरती से निकाला है कि आप पकड़ा गया आरोपी मिमिक्री आर्टिस्ट तो नहीं, ऐसी कोई जानकारी मिली है कि इतना खूबसूरत आवाज़ निकाला है उसमें? मिमिक्री आर्टिस्ट तो नहीं हो, बट उसको लेडीज़ का आवाज़ बहुत बेवकूफ़ आता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं इन परसोनेशन करते रहते हैं, तो
इसमें कोई बड़ी बड़ी बात नहीं, लेकिन उसका आवाज़ बिल्कुल डॉक्टर का लहजा उसने पकड़ा है, डॉक्टर कैसे बात करते हैं, डॉक्टर के मेडिकल अप्लायंसेस क्या होते हैं, डॉक्टरों के टाइम क्या होते हैं, ऑपरेशन थिएटर्स के कुछ वर्ड्स होते हैं, पेशेंट्स के बारे में कैसा बोलना, ये सारा बोलने की वजह से आदमी उसके चंगुल में आके फंस जाता था। इसकी तहकीकात कर रहे हैं, लेकिन वो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें ये मिले हैं, तो उसके बाद ये रिवील हुआ कि ये लोग इस तरह से ठगी करते हैं। सर, जैसे 20 गुनाह से पर्दा उठ गया, तो जाहिर सी बात है कि अगर एक जगह से उसने 1 लाख की जगह ठगी की तो कम से कम 20 लाख तो उसके जेब में आ जाएंगे। तो सर, ये इन लोगों का करता क्या था, जिंदगी के मौत का था या ये जुआ खेलते थे, बार में पैसा उड़ाते थे और खुद के खर्चे के लिए यूज करते थे। नहीं नहीं, हमें पहले एक्यूज़ मिले, एक्यूज़ मिलने के बाद इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये चीज़ सामने आई कि ये इस तरह से ठगी करते हैं। और बाकी जो पिछले ऑफेंस है, जो 20 ऑफेंस है, उसमें से हमारे भी कुछ है, मुंबई थाने के भी बहुत सारे हैं, वहाँ किस तरह से उन्होंने ठगी की है इसके बारे में हम पता करेंगे। बराबर है, हमारे चारों ऑफेंस में उन्होंने इसी मोडस से काम किया है और पिछले कुछ ऑफेंस में भी इसी तरह से मोडस यूज़ किया है। हाँ, उसको वो आइडिया एकदम जम गई है और सक्सेस हो रही है, तो आगे चलता रहा और फिर हमारे पास आ गया। यही तो उनका स्किल है ना, तो ये थोड़ा लालच भी होता है, 10-15 तोले का अगर गहना बनाता है कोई, वो भी मेरे 100 मीटर दूर की नज़दीक का घर है, तो उसको ऑटोमेटिकली बिजनेस है, धंधा है, तो 4 पैसे के लिए लोग करते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं रहता कि ये इतना बड़ा धोखा उनके साथ हो जाएगा। वो पॉसिबल हुआ है ना, इसलिए तो इनको गिरफ्तार किया हम लोगों ने, तो लोगों ने अलर्ट रहना चाहिए। एनीथिंग कैन पॉसिबल, हम अलर्ट नहीं रहे तो कुछ भी हो सकता है।